नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 4.5। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.5 देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू मस्ट नो। आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, उनको थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल आप लोगों को याद हो, आप लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर आपके पास जो है वो या कोई पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। दैट इज़ अ कंडीशन फॉर एन पॉलिनोमियल। इसकी जनरल एक्सप्रेशन जो हमारे पास होती है दैट इज़ ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट। जबकि यहाँ पे आपके पास एन जो है दो होल नंबर होगा। आगे मूव करते हैं। अगली चीज़ हमारे पास जो है वो डिवीजन आ जाती है पॉलिनोमियल्स की। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, फॉर एग्जांपल वन इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एंड द अदर वन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल से एक्स प्लस वन। अब जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो डिवीजन का प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, इट्स लाइक कि मैं x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट द फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल। तो जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर दैट आई विल गेट एक्स स्क्वायर, देन एक्स वन आर एक्स। फिर हम लोग इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन चेंज प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, टू एक्स माइनस एक्स गिव्स यू एक्स एंड दिस प्लस टू विल कम डाउन एज इट इज़। अब अगेन ये आपके पास दोनों की पावर सेम आ रही है, फर्दर डिवीजन इज स्टिल पॉसिबल। तो मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस वन से सो दैट एक्स वन आर एक्स एंड वन वन आर वन। तो जब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं साइन चेंज होंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल एंड टू माइनस वन रिमेन्स वन। तो ये हमारे पास डिवीजन आ जाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिया, हमारे पास बड़े पॉलिनोमियल्स भी आएंगे। इस डिवीजन के बाद जो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए दे आर कि जो बाहर आप लोगों के पास एक्सप्रेशन होता है इट इज़ नोन एज डिवाइज़र। जो एक्सप्रेशन हम लोग अंदर रखते हैं इट इज़ नोन एज डिविडेंड। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करके अपने डिवीजन परफॉर्म करते हैं दैट इज़ नोन एज द क्वेश्चन। एंड फाइनली जो आप लोगों के पास एंड पे बच जाता है डिवीजन के बाद दैट इज़ नोन एज रिमाइंडर। अब यहाँ से हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये कि जो हमारा डिविडेंड होता है दैट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र विद क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जैसे कि यानी x प्लस वन को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ x प्लस वन के साथ एंड देन मैं इसके अंदर वन ऐड करूँ तो ये मेरे पास मेरा डिविडेंड रिजल्ट करता है जो कि हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब ये हम लोगों ने रिमाइंडर जो फाइंड किया है आफ्टर डूइंग दिस कंप्लीट डिवीजन, इस रिमाइंडर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग दिस डिवीजन। उसके लिए क्या चीज़ है, उसके लिए हम लोग एक थ्योरम यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर फोर तक जो है वो सारे के सारे हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड करना है उनमें बाय यूजिंग अ रिमाइंडर थ्योरम। तो जब हम लोगों ने इसको यूज़ करना सो उससे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। व्हाट डज इट सेज, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, कहते हैं जी कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू वन, मतलब लीस्ट उसकी डिग्री वन होगी या उससे बड़ी होगी, उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं इज डिवाइडेड बाय सम लीनियर पॉलिनोमियल से एक्स माइनस ए, तो देन हमारे पास जो रिमाइंडर आता है देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। तो जो रिमाइंडर हमारे पास आता है वो एफ ऑफ ए आता है। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूव करना है, पहले इसका प्रूफ देखते हैं देन हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। प्रूफ की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है और हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए पे। तो व्हेन एफ ऑफ एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट एक हमारे पास यूनिक क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। और
क्वेश्चन को मैं क्यू ऑफ एक्स कह देता हूँ एंड रिमाइंडर हमारे पास एग्जिस्ट करता है आर। यानी हम लोगों ने लास्ट डिवीजन में बात की थी कि इसको हम लोग क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें प्लस आर, क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब मैं अपने एफ ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर विद द क्वेश्चन प्लस हमारा जो रिमाइंडर बचता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं पुट कर देता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू ए, देन व्हाट विल इट बिकम, इट विल बी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए विल कम एज इट इज़, ए माइनस ए बिकम्स जीरो एंड जीरो इंटू एनीथिंग विल ऑल्सो बी अगेन इक्वल टू जीरो एंड प्लस रिमाइंडर विल कम। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू योर आर विच इज़ योर रिमाइंडर। और हम लोगों ने यही बात प्रूव करनी थी कि जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो एफ ऑफ ए है। सो दिस कम्प्लीट्स द प्रूफ। सो रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, और यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी। एक्सरसाइज 4.5 में हमारे पास आ जाता है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलीनोमियल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ, विच इज़ 3x4 + 4x³ + x - 5 को हम लोगों ने डिवाइड करना है x + 1। दिस इज आवर फर्स्ट पॉलीनोमियल, दिस इज सेकंड। तो मैंने रिमाइंडर फाइंड करना, हाउ विल आई सॉल्व इट, स्टार्ट योर सॉल्यूशन। मैं लेट कर लेता हूँ, दिस विल बी माय एफ ऑफ एक्स 3x4 + 4x³ + x - 5 एंड माय एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू x + 1। सो ए इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू -1। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ जाती है। हम लोगों ने अभी रिमाइंडर थ्योरम में प्रूव किया है दैट रिमाइंडर इज एक्चुअली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है -1। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पे -1 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो दिस विल बिकम 3 × -1 पावर 4 + 4 × -1³ + -1 -5। दिस विल बिकम 3, इवन पावर माइनस साइन खत्म, 1 की पावर 4 विल बिकम 1 + 4, ऑड पावर है माइनस विल कम एज इट इज एंड 1³ is 1, प्लस माइनस चेंजेस टू -1 and -5। 3 ones are 3, -4 ones are 4, -1 - 5 becomes -6। सो 3 - 4 is -1 एंड -1 - 6 विल बी -7। सो माई रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन इज -7। 4.5 में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोनों हमारे पास टोटली सेम पैटर्न के ऊपर है। मैं 10 वाला कर रहा हूँ, 11 आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है जी के व्हेन x² + 2x³ + kx² + 3 को हम डिवाइड करते हैं x - 2 पर रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसके अंदर हम लोग अपने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं लेट कर लूंगा अपने पहले पॉलीनोमियल को एफ ऑफ एक्स विच इज x² + 2x³ + kx² + 3 एंड माय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू x - 2। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाती है 2। थर्डली जो उसने हमें चीज दी हुई है मेरा रिमाइंडर विच इज इक्वल्स टू 1। सो दैट मीन्स के रिमाइंडर जिसको हम लोग नाम देते हैं एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू 2 है, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है आपके पास। सो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, योर रिमाइंडर विल बी एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ एक्सप्रेशन में, इट विल बी 2² + 4 + 2 × 2³³ + k² + 3 एंड दिस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है आपके पास। नाउ 2³ = 16 + 2³³ + 8 + 2² = 16 + k² + 4 + 3 = 1। 16 + 16 = 32, 32 + 3 = 35 + 4k = 1। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k एक तरफ बाकी सारी दूसरी तरफ, 4k विल रिमेन हेयर इक्वल्स टू 1 प्लस 35 राइट में जाके हो जाएगा -35। 4k विल बी इक्वल्स टू -34। 4k से मल्टीप्लाई आ रहा ऑन राइट, ये डिवाइड हो जाएगा, सो -34/4। 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाती है -17/2। सो दिस विल बी द वैल्यू।